अनिल देशमुख के ठिकानों पर छापेमारी करने के बाद शाम होते होते सीबीआई की टीम फिर से देशमुख के नागपुर वाले आवास पर पहुंच गई और छानबीन शुरू कर दी। सीबीआई की दोबारा छानबीन के दौरान अनिल देशमुख भी अपने आवास पर पहुंच गए। इसके पहले मुंबई के ज्ञानेश्वरी बंगले और वर्ली स्थित सुखदा सोसाइटी के फ्लैट्स में भी छापेमारी की गई। सूत्रों का कहना है कि ज्ञानेश्वरी बंगले से सीबीआई की टीम सीसीटीवी फुटेज अपने साथ ले गई और माना जा रहा है कि सीसीटीवी फुटेज से वसूली कांड के कई राज खुलेंगे। शिवसेना नेता संजय राउत ने इस छापेमारी के बाद ट्वीट किया और कहा कि दया कुछ तो गड़बड़ है। इसके पहले राउत ने कहा था कि कानून से ऊपर कोई नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को 100 करोड़ रुपए की वसूली के मामले के आरोपियों से पूछताछ करने का आदेश दिया था। इसके बाद सीबीआई ने पुलिस अधिकारी संजय पाटिल, याचिकाकर्ता जयश्री पाटिल, निलंबित एपीआई सचिन वझे, मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह से पूछताछ की थी। बाद में अनिल देशमुख से भी पूछताछ की गई थी। अब जल्द ही देशमुख को गिरफ्तार किए जाने के संकेत हैं। देशमुख की गिरफ्तारी से महाविकास अघाड़ी सरकार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अनिल देशमुख के आवास पर छापेमारी करने आने वाली टीम पीपी किट में नजर आई। अनिल देशमुख शहर में बने एक कोविड आइसोलेशन सेंटर की समीक्षा करने के लिए गए थे, पर रेड की जानकारी मिलने पर वापस घर लौट आए। सीबीआई टीम एक बार फिर देशमुख के आवास पर छानबीन में जुटी है। एजेंसी की एक टीम दिल्ली से शुक्रवार रात नागपुर पहुंची और उसने देशमुख से जुड़ी संपत्तियों पर शनिवार सुबह छापेमारी शुरू की। एनसीपी और शिवसेना इस छापेमारी पर सवाल उठाने लगे। संजय राउत का कहना है कि माननीय उच्च न्यायालय ने सिर्फ प्राथमिक जांच करने को कहा था और उसे 15 दिनों में प्राथमिक जांच के बाद रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए थे, लेकिन सीबीआई ने अनिल देशमुख पर एफआईआर और छापेमारी कर कुछ ज्यादा आगे बढ़ गई। आखिर सीबीआई की कार्रवाई में अचानक आई तेजी का कारण क्या है? लेकिन इसके पहले राउत ने यह कहकर प्रतिक्रिया देने से मना कर दिया था कि कोर्ट का ऑर्डर है, कानून से बड़ा कोई नहीं, इसलिए सीबीआई की इस कार्रवाई पर तुरंत प्रतिक्रिया देना उचित नहीं है। देशमुख ने अपना पक्ष सीबीआई के सामने रखा। सीबीआई की प्राथमिक जांच रिपोर्ट कोर्ट में पेश होगी, तब देखेंगे कि इस पर क्या करना है। सीबीआई अपना काम कर रही है, कोर्ट ने अपना काम किया है, महाविकास अघाड़ी सरकार भी अपना काम कर रही है। 100 करोड़ की वसूली प्रकरण में पूर्व गृह मंत्री और एनसीपी नेता अनिल देशमुख को सीबीआई ने 14 अप्रैल को पूछताछ के लिए समन भेजा था। इसके बाद अनिल देशमुख से 11 घंटे पूछताछ चली थी। इसके बाद सीबीआई की टीम ने एक रिपोर्ट तैयार की जिसे अभी तक कोर्ट में पेश नहीं किया गया। रिपोर्ट पेश करने से पहले ही देशमुख पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। इससे अनिल देशमुख की मुश्किलें बढ़ गईं। एक तरफ सीबीआई की टीम अनिल देशमुख के मुंबई स्थित ज्ञानेश्वरी बंगले और वर्ली इलाके की सुखदा सोसाइटी की बिल्डिंग के फ्लैट और नागपुर स्थित सिविल लाइन में स्थित आवास और कार्यालयों सहित 10 से अधिक ठिकानों पर तेजी से छापेमारी की गई, तो दूसरी तरफ इस मुद्दे पर राजनीतिक बयानबाजी भी शुरू हो गई। एनसीपी नेता नवाब मलिक ने सवाल किया कि कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने को कहा था क्या? सीबीआई अपनी रिपोर्ट पेश करने से पहले ये सब कार्रवाई किस आधार पर कर रही है? उन्होंने कहा कि सीबीआई की कार्रवाई महाराष्ट्र सरकार को बदनाम करने की एक साजिश है। रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।